में हमारी जो टीम है वो घर घर जाकर के लोगों से राय जानना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल में कैसी सरकार चाहिए लोगों की। दीदी की सरकार चाहिए ना, बीजेपी की सरकार चाहिए ना, सीपीएम की सरकार चाहिए, इसको लेकर के जो हमारी टीम है लगातार हर क्षेत्र में हर मोहल्ले में घूम रही है और हम लोग लोगों की राय भी जान रहे हैं। आइए हम लोगों से बात करके दिखा रहे हैं आप लोग को कि किस प्रकार के लोगों का क्या कहना है, जनता क्या कहना चाहती है, कैसी सरकार चाहती है, उसको लेकर के हम लोग लगातार सबके घर घर जाकर के हम लोग सर्वे कर रहा हूँ और देखिए आवाम की आवाज कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मैं किसी और को कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल लैंग्वेज बता रहा हूँ जो हर नेता के लिए अप्लाई करता है, देश का हर नेता के लिए अप्लाई करता। इसका मतलब यह है कि हर स्तर के लोगों का मतलब विकास हो, एक ही प्लेटफॉर्म में सबको आगे बढ़ाओ। जो सरकार यहाँ पर है तो आप लोग कैसा सरकार भी चाहते हैं, किस टाइप का सरकार हो जो ठीक हो, जो बंगाल का उन्नति का काम करे, जो छात्रों के ऊपर जो पिछले 11 साल से और जो केंद्र में 14 के आने के बाद से जिस प्रकार से छात्र विरोधी नीतियाँ आई हैं, जो इस नीतियों को हटाने का काम करेगा, छात्र युवा को नौकरी देना और जिस प्रकार से अभी जो यूनिवर्सिटी के अंदर में 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स 4 साल 5 साल का हो गया है, नहीं हो रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन सही टाइम पे हो रहे हैं बंगाल में, ना यहाँ पे एग्जाम सही टाइम पे हो रहे हैं, ना नतीजे सही टाइम पे निकल रहे हैं। मैं छात्र होने के कारण यही बोल सकता हूँ कि जो सही समय पे छात्रों का एग्जाम करवाए, नतीजे सही समय पे निकले और उनको जो अगर छात्रों को जो यूनिवर्सिटी पास आउट जिस प्रकार की क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार जिस प्रकार की नौकरी मिलेगी वही सरकार होनी चाहिए। राजनीति है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। 70 साल से मुसलमान को जिस निगाह से देखा गया है अभी भी उसी तरह देखा जा रहा है और आने वाला जो साल है उसमें भी ऐसी देखा जाएगा, ठीक है। इससे राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार अपना मनमाना करता है, अपना मुसलमान अपना बल पर जीता है। नहीं जो दीदी है तो अच्छा काम तो कर रही है। ना दीदी, अवेसी, मोदी, ये सब फालतू मुद्दा, ये इलेक्शन के टाइम आते हैं, हम काम कर देंगे उसके बाद चले जाएंगे। जो अभी मौजूदा सरकार है उसको वो किस प्रकार से काम कर रही है या इसको परिवर्तन चाह रही है? देखिए, सरकार को पब्लिक के लिए चाहिए, इस स्टेट के पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सरकार चाहिए। सरकार वो नहीं होना चाहिए जो अपना लूट मार में लगा रहे, अपना ही जेब भरने के लिए पड़ा रहे। आज तृणमूल कर क्या रहा है, हर जगह क्लब के नाम पर और लोकल काउंसिलर लूट मचाया हुआ है, पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है, पब्लिक का पैसा ममता बनर्जी क्लबों को दान कर रही है। क्यों भाई, कौन होते हैं आप काम कर दान करने में, पूजा कमेटी को दे रही है, क्यों देगी? किसी भी संगठन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, किसी को भी क्यों दिया जाएगा इस तरह का सरकार? अच्छा, इसमें इतना ज़्यादा घोटाला हो रहा है, आप बता सकते हैं 34 साल बाउंड फ्रेंड एक भी घोटाला निकाल पाई ममता बनर्जी? कोई घोटाला ही नहीं किया बाउंड फ्रेंड। आज भी बाउंड फ्रेंड का नेता वो आप देखेंगे वही मामूली कपड़ा और मामूली ज़िंदगी गुजार रहा है। ये एक ऑनेस्ट सरकार था बाउंड फ्रेंड का 34 साल का। पश्चिम बंगाल में जो 34 साल जो बाउंड फ्रेंड जो सरकार का भ्रष्टाचार सरकार, उसको ममता बनर्जी ने उस भ्रष्टाचार सरकार का गमन, आज उन्होंने जनता को 34 साल के बाद जो पश्चिम बंगाल के जनता को जो सुख सुविधा स्वास्थ्य से लेकर किसान नीति, व्यापार नीति, शिक्षा नीति, आज आप सर्वे कर रहे होंगे या सर्वे करिए तो जो आज से 2011 का पहले जो रंग और रूप जो पश्चिम बंगाल का था, आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी जब से सीएम हमारी पश्चिम बंगाल की बनी है, आज उसको इतना बदल दी है कि आज यहाँ के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग आज दूसरे प्रांत में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। ये सब बिजनेस बना लिया, दीदी को चाहिए थोड़ा गाइडेंस करे हर इलाका में, थोड़ा काउंसिलर एमपी ये सब जो है ये सबको थोड़ा गाइडेंस करे, उन लोग ध्यान दे तो बेहतर रहे। ये दीदी को चाहिए खास के कि अपने अपने इलाका में हर इलाका में थोड़ा गाइडेंस वैसे भाई भी आ रहे हैं। ओवैसी को मारो गोली, ओवैसी नहीं चाहिए, दीदी चाहिए, दीदी चाहिए। सर तो यही बताएंगे कि अभी जो परिस्थिति चल रहा है बंगाल में, ये क्लब को भी खरीदा जा रहा है, जिस तरह से
सेंट्रल में बीजेपी हर चीज को खरीद रहा है, एलपी खरीद रहे हैं, एमएलए खरीद रहे हैं, और इसी तरह अभी बंगाल में क्लब खरीदा गया है। बीजेपी आने से बहुत नुकसान हो गया है, बहुत ऐसा तकलीफ है, बहुत पब्लिक को हरेसमेंट किया मोदी सरकार ने। भाजपा के ऊपर लोगों को विश्वास है, जिस तरह हम लोग प्रगति अन्य राज्यों में किए हैं उसे देखकर लोग आज मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भी चाहते हैं कि भाजपा आ जाए। हम तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमसे अधिक लोगों को अपेक्षाएं हैं, हम शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, लेकिन वो हमें वोट देने को तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पश्चिम बंगाल में संसदीय चुनाव में 18 सीट आया, 42 में से 18, अगर 3 और आता 21 होता, तो मतलब हम लोग आधे बंगाल के ऊपर हम लोगों का राज रहता। और उसके बाद से सिचुएशन बहुत बदला है, और शुभेंदु जी जिस तरह का अभी आचार व्यवहार दिखा रहे हैं, इससे ये समझ आ रहा है कि तृणमूल के नेता भी अब समझ गए कि ये एक डूबता हुआ जहाज है, और इस जहाज में रहना मतलब डूबना। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता हैं, और युवा शक्ति जो टीएमसी में है पूरी की पूरी अभिषेक बनर्जी के संग में है, और ममता बनर्जी टीएमसी की सर्वमान्य नेता है, उनको देख के ही पार्टी के प्रत्येक वर्कर या जनगण उनके काम से प्रभावित होकर आज टीएमसी के संग में है। ये विरोधी दल का एक तो नाटक है कि कैसे टीएमसी में विभेद पैदा करके टीएमसी को तोड़ा जाए। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मोदी जान गए हैं, अमित शाह जान गए हैं कि टीएमसी में जब तक हम विभाजन नहीं करा लेंगे तब तक यहाँ पर सपना हमारा कामयाब नहीं होगा पश्चिम बंगाल में। अभी क्या लग रहा है जिस प्रकार से तृणमूल से लोग भाग रहे हैं, क्या ऐसा क्या कारण हो गया कि लोग तृणमूल से भागना आरंभ कर दिए? आप पिछले 10 साल पीछे जाइए, आप देखे होंगे जब वामपंथी सरकार का शासन था और जाने वाली थी तो 44 ठो एमएलए काउंसलर और आपका एमपी मिला करके 44 जन टीएमसी में ज्वाइन हुए कांग्रेस सीपीएम से टूट करके। आज परिस्थिति वही है, ममता बनर्जी को लोग विधायक काउंसलर एमएलए एमपी छोड़ छोड़ करके बीजेपी में टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो आपके सामने साफ तस्वीर है कि सरकार बस पब्लिक इंतजार है इलेक्शन का, बस जिस दिन इलेक्शन होगा ये पुलिस और समाज विरोधी जनता को रोक नहीं सकते हैं, बीजेपी की सरकार आएगी। और जिस तरीके से गुजरात का विकास हुआ, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, आप विश्वास करिए पश्चिम बंगाल में फिर सोनार बंगला हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारे, ने द्वारे एक सोनार बंगला बना के देंगे। एक तो ममता बनर्जी प्रोग्राम चालू की है द्वारे, अभी जो भी समस्या है अभी हम पूरा कर देखिए एक बात मैं बताऊं, ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, अपने लीडरों पे भरोसा नहीं है। जब ममता बनर्जी सरकार में आई थी तो पीके को लेके नहीं आई थी, ममता बनर्जी अपने बल पे कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पे वो जीत के आई थी, और आज पीके को लाई है यानी कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं। पीके तरह तरह के हथकंडा अपनाए हैं, उनको धक्का मार करके बिहार से नीतीश कुमार जी भगाए, क्या समझे, यूपी में भी उनका हल हुआ, आप अखिलेश और वो उनका सेटिंग कराए थे पप्पू, अखिलेश जी का और पप्पू का बोले यंग लोगों का हम सेटिंग करा रहे हैं, वो भी फेल हो गया। और पश्चिम बंगाल में इतना बुरा तरीके से फेल हो गए पीके, और ये बहुत खतरनाक है। ममता जी की सरकार एक झूठी सरकार है, क्योंकि वो आने के बाद भी बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने कि कोलकाता को मैं लंदन बना दूंगी, दार्जिलिंग को मैं स्विट्जरलैंड बना दूंगी, आज तक वैसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि उनके आने के बाद जितने ब्रिज थे वो सारे गिरने लगे हैं। 10 साल में उन्होंने ब्रिज रिपेयर किया जाता है ये तक का उन्होंने कभी नहीं सोचा, और आज के आज उनके ब्रिज सारे बन के खड़े हो जा रहे हैं।
तो उनका हर वादा ही झूठा है। किसानों के लिए भी उन्होंने सिंगूर में जिस तरीके से आंदोलन किया था कहा था, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को उन्होंने उस तरीके से कोई मदद नहीं किया है, जिसका वजह यह है कि सिंगूर के चुनाव में वो हार चुकी है उनकी सरकार। तो ये सारा एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि जनता का वोट किस तरीके से फिर उनके पाले में आए, बाकी कुछ नहीं। जनता इसको कई ढंग से सब लेना चाह रही है। हम लोग तो बहुत बस्ती बाड़ी में रखते हैं, हम लोग उनका साथ जनता के बीच में रहने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो कुछ आदमी इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव दोनों पहलू आ रहा है समझ में। जब अब सरकार का कुछ समय बचा हुआ है इलेक्शन का, तो अब दुआरे आ करके क्या फ़ायदा है। नरेंद्र दुबे कोलकाता से।